हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2, पेज नंबर आपका 119, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, ये मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर ए आप लोग देखिए, जैसा कि बोर्ड पर हमने लिख दिया है, राइट द मिसिंग नंबर इन द डिजिट सीक्वेंस। मिसिंग नंबर जो छूटे हुए नंबर है उसको आपको क्रम में लिखना है, एकदम क्रम में, सीक्वेंस में दिया ही है। आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए दिया 27, उसके बाद यहाँ पर नंबर मिस कर दिया है, फिर यहाँ नंबर मिस है, यहाँ 30 हो गया है, और यहाँ पर नंबर है। इसको आपको क्रम में लिखना है बच्चों, सीक्वेंस में। जैसे 27 के बाद क्या आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसको, ठीक लिखना है, राइट करना है। 27 के जस्ट आफ्टर 28, फिर उसके बाद बच्चों 28 जस्ट आफ्टर आपका आ जाएगा 29, और 29 के जस्ट आफ्टर 30 आता है, लिखा हुआ है आपका, और 30 के जस्ट आफ्टर क्या आएगा 31। तो आपने देखा ये जो है एकदम स्क्वेयर में, एकदम क्रम में आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो ये बच्चों जो मिसिंग नंबर था, जैसे 28 और 29 और 31, इसको इस तरीके से यहाँ पर राइट कर देना है। आइए इसके एग्जांपल लेते हैं। ये आपको इसमें जो है 20 से लेकर के 50 तक नंबर इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए आपका 34 है, ठीक है, और इंग्लिश कर दिया नंबर यहाँ पर, ठीक 35 कर दिया, 36, और यहाँ पर आपका इंग्लिश नंबर हो गया है कितना नंबर, और यहाँ इसको आप नहीं करेंगे। देखिए इधर सीक्वेंस में आपको पढ़ना है आगे नंबर 34 के जस्ट आफ्टर 35 यहाँ राइट करेंगे, 35 के आफ्टर में कौन सा नंबर आता है 36, यहाँ पर लिख किया गया पहले लिखा है, 36 के बाद कौन सा नंबर आता है 37 आप यहाँ लिख करेंगे, 37 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है 38, तो ये आप यहाँ राइट कर लेंगे। इस तरीके से इसको जब आप रीड करेंगे 34, 35, 36, 37, 38, तो इस तरीके से आपको मिसिंग नंबर को सीक्वेंस में राइट करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर ए आप स्वयं करेंगे, इसमें दिया गया है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप कर लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन बता दिया है कि कैसे ही आपको इसको फिल करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बच्चों, स्पेल द नंबर इन टेल एंड वन। स्पेल द नंबर इन टेल एंड मतलब ये जो नंबर दिया रहेगा आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, उसमें आपको 20 से लेकर के 50 तक नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे इस तरीके
आपको नंबर दे दिया गया एग्जाम्पल के रूप में फर्स्ट स्टार के लिए, मान लीजिए यहाँ 36 दे दिया ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ 47 दे दिया, और थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ 25 दे दिया ठीक है। एक तरीके से नंबर है बच्चों ठीक। अगर मान लीजिए फोर्थ एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर मान लीजिए 30 दे दिया ठीक है, तो इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर इसको कंडीशन आपको लगा हुआ है, क्वेश्चन आप देखेंगे और यहाँ पर आपको ये बॉक्स बना हुआ है और यहाँ लिखा है पेन और एंड यहाँ बात बना है और यहाँ वन इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर होता है टू डिजिट का तो उसमें राइट साइड में जो होता है वन होता है और लेफ्ट साइड में जो होता है वो क्या होता है टू टेन। तो आप यहाँ देख रहे हैं टी क्या है टेंथ है, तो यहाँ थ्री हम क्या लिखेंगे टेन और सिक्स क्या लिखेंगे वन, सिक्स को कहाँ भरेंगे वन। तो इस तरीके से थ्री टेन एंड सिक्स वन ये जो है 36 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया टेंथ और वेल्थ में। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ बात का कब रहा है यहाँ क्या है टेन यहाँ एंड सिक्स के बाद बात करना होता है और यहाँ पर लिखा है वन। इसमें आप क्लिक करेंगे आप उसको देखना है कौन नंबर जो है कौन सा डिजिट टेंथ पर है और कौन सा डिजिट जो है वेल्थ पर है। तो आप यहाँ देखें फोर क्या है बच्चों टेन, तो यहाँ क्या लिखेंगे फोर और सेवन कहाँ है वन कितने पर है तो सेवन यहाँ वन। इस तरीके से 47 का एक्सपेक्टेड फॉर्म क्या आ जाएगा वन में फोर टेन एंड सेवन वन ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इसके लिए भी आप इस तरीके से ग्रिड बना देंगे टेन एंड यहाँ पर बात यहाँ हुआ इस तरीके से लिखा हुआ। तो आप पुनः याद रखिए अभी बताया गया दो क्वेश्चन टू आपका टेन हो जाएगा और फाइव क्या हो जाएगा बच्चों ये वन। इस तरीके से 25 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो टू टेन एंड फाइव वन ठीक है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों टेन एंड वन यहाँ देखेंगे सी क्या है टेंथ है तो सी टेंथ में आप लिखेंगे जीरो आपका वन है तो यहाँ जीरो लिखेंगे जीरो ठीक है बच्चों सी टेन एंड जीरो वन। इस तरीके से आप कोई भी आपको नंबर डिजिट का दिया रहेगा तो उसको टेंथ एंड वन में पहले फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर बी आपका इसी तरीके से दो क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चों 47 एंड 22 इसको सेम इसी तरीके से आप पेंडेंट फॉर्म में इसको राइट कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए उसमें लिखा है व्हाट आर द नेक्स्ट थ्री नंबर व्हाट आर द नेक्स्ट थ्री नंबर नेक्स्ट थ्री नंबर आपको लिखना है। यहाँ देखिए ये पैटर्न पर आधारित है, जैसे इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया पहला एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ दे दिया टू और शिफ्ट दे दिया यहाँ
फिर उसके बाद अगला ले लिया ए, तो आगे का नेक्स्ट नंबर आपको सी नंबर लिखना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक बात बना दिया हम लिए, ठीक है, और नेक्स्ट सी नंबर आपको लिखना है। तो आप पैटर्न देखेंगे बच्चों की यहाँ पर क्या होना है, ठीक है। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, प्लस फोर किया गया है, इसमें क्या किया गया बच्चों, प्लस फोर, तो आपका क्या आ गया सिक्स। अब यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रहा है एक के, तो आप देख रहे हैं प्लस फोर इसमें भी किया गया है, तो आपका प्लस एक टेन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे टेन में आप देखेंगे, टेन में आप क्या करेंगे कि प्लस फोर हो रहा है नंबर में, प्लस फोर हो रहा है किया जा रहा है, तो अगला नंबर आपको आ रहा है, यहाँ प्लस फोर होगा तो अगला नंबर आ गया, तो यहाँ भी प्लस फोर होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये प्लस फोर होगा यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा मतलब टेन प्लस फोर, टेन में आप फोर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका फोर्टीन, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपकी फोर आप प्लस करेंगे तो फोर्टीन प्लस फोर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा एट्टीन, एट्टीन प्लस फोर ऐड करेंगे, प्लस फोर ऐड करना है आपको, प्लस फोर ऐड किया जा रहा है तो आपका आ जाएगा ट्वेंटी टू। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, यहाँ वाली बच्चों हमारा वन है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका मान लीजिए थ्री हो गया, फिर नेक्स्ट नंबर आपका फाइव हो गया, फिर आपको नेक्स्ट थ्री नंबर इसको इसमें राइट करना है, नेक्स्ट थ्री नंबर आप इसमें राइट करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ देखिए वन में क्या प्लस हुआ या माइनस हुआ कि आपका दिया गया उसको आप समझेंगे, तो वन में टू प्लस किया गया बच्चों, वन में टू प्लस किया जाएगा तो क्या जाएगा सी। अब देखिए यहाँ अगला नंबर क्या आ रहा है, अगला नंबर आने के लिए यहाँ भी जो टू प्लस करेंगे तब क्या आ जाएगा, सी में टू प्लस किया जाएगा तो फाइव आ जाएगा, तो इसी तरह तरीके से आप टू प्लस करते हुए नेक्स्ट नंबर आप क्या करेंगे फिट करेंगे, देखिए टू प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें फाइव में टू प्लस अप करेंगे तो क्या आ जाएगा सेवन, सेवन में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेवन में टू प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा नाइन, यहाँ समझेंगे, और नाइन में प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, नाइन में टू प्लस करेंगे तो आपका टेबल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप केवल पैटर्न समझेंगे कि ये जो तीन चीज है आपको पैटर्न के द्वारा दिखाया गया नंबर ये कैसे आगे बढ़ना है, इसमें कौन सा प्रोसेस चल रहा है तो आप उसको समझेंगे। जैसे पहले वाले में आपने देखा फोर प्लस हो रहा है तो अगला नंबर आपको मिल रहा है, फोर प्लस होने पर नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, फिर इसमें फोर हुआ तो नेक्स्ट नंबर मिला, तो इसी प्रकार से फोर प्लस करते हुए मतलब फोर ऐड करते हुए आप नेक्स्ट नंबर जो है क्या करेंगे फाइंड करते हुए उसको आप फिल कर लेंगे। अब सेकेंड वाले में ऐसे करेंगे तो आपने देखा हुआ इसमें जो है नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या हो रहा है टू प्लस किया जा रहा है, वन में टू प्लस किया हमने तो क्या आया थ्री, थ्री में टू प्लस किया तो क्या आया फाइव, इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए टू प्लस करते हुए आप नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे और दिए गए ये जो बात है उसमें आप नेक्स्ट नंबर को राइट कर देंगे फिल कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये आप कर लेंगे, आप क्वेश्चन नंबर थ्री में केवल वन क्वेश्चन दिया है थ्री फाइव सेवन, उसको आप समझेंगे कि क्या इसमें पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को आप आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, इस तरीके से क्वेश्चन अपने से बना करके आप साफ करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, ठीक है बच्चों, कंटिन्यू द पैटर्न, कंटिन्यू द पैटर्न
आर द नेक्स्ट टू स्टेट आपको इसको लगातार पांचवी को पैटर्न पैटर्न को आपको लगातार आगे बढ़ाना है कहाँ तक नेक्स्ट टू स्टेप तक। देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन मान लीजिए दे सकता है, यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ फोर दे दिया, अब नेक्स्ट में दे दिया फोर प्लस फोर, फोर प्लस फोर नेक्स्ट में दे दिया आपको फोर प्लस फोर प्लस फोर, इस तरीके से पैटर्न आपका आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट टू आपको आगे बढ़ना है, देखिए वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप नेक्स्ट टू आपको आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर, फोर टाइम टाइम करेंगे और लास्ट क्या करेंगे फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर फाइव टाइम स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट टू आपका इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आप उसको कर लेंगे, देखिए टू टू प्लस टू टू प्लस टू प्लस टू, इसी तरीके से आप एक एक टू जो है ऐड करते जाएंगे और आपका अगला स्टेप बनता चला जाएगा आप उसको कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल पैटर्न आपको आगे बढ़ाना है, समझते हुए कि पैटर्न से आगे बढ़ रहा है स्टेप आप देखते रहेंगे। What comes before each of the following numbers? What comes just before? ठीक पहले आने वाला नंबर आपको लिखना है बच्चों। Before means क्या होता है पहले? What comes before? Just before मान लीजिए इसको लिखेंगे। Each of the following number is of the following number ये आपके बुक में दिया हुआ है आप समझेंगे। आगे नेक्स्ट सीखना देखिए आपको नंबर मिलेगा 50 से अबव, ठीक है 50 से लेकर 100 तक के नंबर इसमें आपको मिलेगा जिसको आपको नेक्स्ट नंबर इसका बिफोर नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कोई नंबर दे सकता है, यहाँ आपको फिल करना है, यहाँ मान लीजिए 58 दे दिया, यहाँ पर आपको 70 दे दिया और यहाँ पर आपको मान लीजिए 81 दे दिया और यहाँ देखिए आगे एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन है बच्चों आप देखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपको 96 दे दिया और यहाँ पर आपको 100 दे दिया और यहाँ पर मान लीजिए आपका 62 दे दिया। तो आप जस्ट बिफोर ठीक पहले आने वाला नंबर आप समझेंगे 58 से जस्ट बिफोर आने वाला नंबर कौन सा होगा आप जब सीक्वेंस में इसको रीड करेंगे पढ़ेंगे तो आपको उसको नंबर मिल जाएगा, ठीक है 51 52 53 54 55 56 57 सब उसके बाद जो है 58 आता है। तो इस तरीके से यहाँ 57 आप फिल करेंगे, ठीक उसी तरीके से 70 के ठीक पहले कौन सा नंबर आता है, ठीक 70 के ठीक पहले कौन सा नंबर आता है उसको 60 आपका 9 आएगा तो 69 फिल कर देंगे। सेम उसी तरीके से 81 के ठीक पहले कौन सा नंबर आएगा 80 तो इसको फिल करेंगे। नंबर आप 1 to 100 जो काउंटिंग नंबर होता है उसको आप पढ़ेंगे उसी में से आपका ये नंबर मिलेगा, ठीक है उसको समझते हुए आप करेंगे 96 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आएगा 95। इसी तरीके से 100 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है 99 आप लिख लेंगे और उसके बाद 62 के जस्ट बिफोर कौन सा
वन। तो जस्ट बिफोर नंबर आपको फिल करना है, तो इसके नंबर ई में इसको आप जो है इस तरीके से फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका जस्ट आफ्टर, यही क्वेश्चन रहेगा जो आपका यहाँ फिल होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर जस्ट आफ्टर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका मतलब व्हाट कम्स आफ्टर इज आफ्टर फाइनल नंबर, ठीक। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर एफ में। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन इसमें भी दिया है, बस जस्ट आफ्टर लिखा है। जैसे 67 हो गया जो यहाँ फिल करना है, अब इधर का फिल करने को आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपका 96 दिया है, आप 96 जस्ट आप आफ्टर नंबर आप लिख देंगे। यहाँ मान लीजिए आपको 98 दिया है, यहाँ फिर दिया उसी तरीके से आपका 62 दिया है, इसके आगे का नंबर आप फिल करेंगे। 54 दिया है, इसके जस्ट आफ्टर नंबर फिल करेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए आपको 99 सब फिल करेंगे। यहाँ पे जो 57 है, 57 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आ जाएगा, तो सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे इसको क्रम से। तो 57 के बाद क्या आप जो है लिख सकते हैं, पढ़ते हैं, तो 57 के बाद आप क्या बोलेंगे, 58। तो यहाँ 58 आपको राइट करना है कि 96 के जस्ट आफ्टर मतलब की बात कौन सा नंबर आएगा, जो आप काउंटिंग नंबर में 96 के बाद जो है रीड करते हैं पढ़ते हैं 97 याद कर लेंगे। इसी तरीके से 98 के बाद कौन सा नंबर आता है, 99, यहाँ इस तरीके से ठीक करेंगे। और नेक्स्ट लिखिए 72 के बाद कौन सा नंबर आप पढ़ते हैं, 73 है तो 63 हो जाएगा उसमें, यहाँ ठीक है। 62 के बाद कौन सा नंबर पढ़ते हैं, 66। इसी तरीके से 54 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा, मतलब ठीक बाद आने वाला नंबर 55 यहाँ फिल कर देंगे। और 99 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है, ठीक बाद आने वाला नंबर 100। 99 के बाद क्या करते हैं आप लोग बच्चों, 100 यहाँ फिल कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज देखेंगे अभी तुरंत, क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करना है आपको, जो 2 डिजिट का एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐड द फॉलोइंग ऐड करना है आपको, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको देखिए विदाउट कैरी, बिना कैरी वाला ऐड है, बहुत आसानी से आपको कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में 32 + 40 इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है, 21 + 54 32 + 22 इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चों। आप देखिए यहाँ पर केवल आपको वन का प्लेस टेंथ का प्लेस दिया है, वन का प्लेस वाला जो कॉलम है उसको पहले आप ऐड करेंगे राइट साइड से, हमेशा जो है राइट साइड से ऐड करते हैं, इसको ध्यान रखिए। 2 में 0 प्लस करेंगे तो आपका 2 आएगा, ठीक। अब 3 में जो है 4 प्लस करना है, तो आप 3 के बाद फॉरवर्ड काउंट 4 करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर लाइन भी इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं 4, और उसके बाद 3 के बाद 4 फॉरवर्ड काउंट करेंगे, और 3 के बाद तो क्या जाएगा 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पर आप 7 कर देंगे। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 72। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 के बाद 4 आप फॉरवर्ड काउंट करिए, चाहे आप 4 के बाद 1 जो है फॉरवर्ड काउंट करिए, तो 1 लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे और 4 के बाद जो है इसको आप काउंट करेंगे। 4 के बाद क्या जाएगा बच्चों, 5 यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 5 है जो बिग नंबर होता है उसके फॉरवर्ड काउंट करेंगे इस्तेमाल वाले को, तो आपको गलती होगा। तो 5 के बाद 2 फॉरवर्ड काउंट करेंगे, 2 लाइन यहाँ ड्रा करेंगे और 5 के बाद आप इसको फॉरवर्ड काउंट करेंगे, तो
सेवन, तो यहाँ पर सेवन इस तरीके से टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जैसे सिक्स है यहाँ, सिक्स के बाद क्या है, यहाँ टू टू एड करना है, तो टू लाइन यहाँ पर काट करेंगे और सिक्स के बाद टू आप फॉरवर्ड काउंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों सेवन एट, तो ये एट यहाँ पर क्या करेंगे राइट करेंगे, और उसी तरीके से यहाँ पर है थ्री है और यहाँ पर क्या है टू, तो थ्री के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर टू लाइन ड्रा करेंगे और उसके बाद फॉरवर्ड काम करेंगे थ्री के बाद, तो थ्री के बाद आप क्या करेंगे फोर फाइव, तो यहाँ पर आप फाइव राइट करेंगे। इस तरीके से आप जो है टू डिजिट का एडिशन विदाउट कैरी, बिना कैरी का एडिशन है उसको आपको बताया गया है, तो आप जो है इसी तरीके से कर लेंगे। और ये पेज नंबर 190 पर आपका टोटल जो है ए बी सी डी ई एफ एंड जी ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद लास्ट पेज बुक का है 120 पर, ये हम जो है अगले दिन आपको कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।